वेलकम टू ममताज किचन। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाएंगे, चकली बनाएंगे। वैसे तो ये चकली गेहूं की बनती है, राइस फ्लोर की बनती है और साउथ इंडिया में उड़द की दाल की बनाते हैं, जिसे वो मुरुक्कू भी कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे मल्टीग्रेन आटे से। तो ये टेस्ट में तो बेस्ट है ही, हेल्दी भी इतनी है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। और खास पर ये चकली दिवाली पर तो बनती ही है, आप ऐसे ही बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो बनाएंगे आज हम मल्टीग्रेन चकली। मल्टीग्रेन चकली बनाने के लिए गेहूं का आटा लिया है हमने, बेसन लिया है, रागी फ्लोर लिया है, ज्वार का फ्लोर है और ये है बाजरी का फ्लोर। बाजरी, ज्वार, बेसन और रागी हमने एक एक कटोरी ली है। उसी कटोरी की नाप की हमने 1.5 कप जो हमारा रेगुलर वाला गेहूं का आटा होता है वो लिया है। आप चावल का आटा भी इसमें एक कटोरी डाल सकते हैं और ओट्स होते हैं हमारे प्लेन वाले ओट्स, उसको भी रोस्ट करके पाउडर करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। एक कटोरी दही लिया है, अदरक और मिर्ची की एकदम फाइन पेस्ट बना कर ली है और तिल लिए हैं और बाकी के सूखे मसाले डालेंगे। एक बर्तन ले लिया है हमने, उसमें हम गेहूं का आटा डाल देंगे, बाजरे का है, बेसन डाल दिया है, ये ज्वार का आटा है और ये रागी है, और जो तिल लिए हैं हमने वो भी इसमें डाल देंगे। इसमें काफ़ी सारे तिल पड़ते हैं। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1/4 टीस्पून हींग लिया है और स्वाद के अनुसार हमने नमक डाला है और अदरक मिर्ची की जो पेस्ट ली है हमने वो भी डाल देंगे और दही लिया है, दही भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका आटा लगाना है। पानी एक साथ में मत डाल दीजिएगा। और इसमें हमने मोयन के लिए ऑयल या घी कुछ नहीं डाला है, दही हमने लिया है, उससे अच्छा मॉइस्चर आ जाएगा अंदर। और पानी भी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ में मत डालिएगा। मोइन डालना हो तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं अंदर, ज़्यादा मत डालिएगा। आटा हमारा लग चुका है, देख सकते हैं आप, हमने पराठा से थोड़ा टाइट आटा लगाया है। अब हम इसकी चकली बनाएंगे। चकली के लिए जो हमारा साँचा होता है उसमें ये चकली की प्लेट होती है, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसमें जितना आटा आप डाल सके उतना लेके ऐसे अंदर डाल दीजिए, अंदर एयर ना रहे इसका ध्यान रखे। ये हमने साँचे में भर लिया है। अब हम इसकी चकली बनाएंगे। आप कोई प्लेट ले लीजिए और उसे उल्टी कर दीजिए, उसके ऊपर हमें चकली बनानी है। मन चाहे साइज की आप चकली बना सकते हैं। आप और ये यहाँ जो एंड है वो यहाँ ऐसे चिपका दीजिए, ताकि जब हम फ्राई करें तब ये खुल ना जाए। और चकली भी हम बना देंगे। फ्रेंड्स, ये चकली जल्दी बन जाती है और हेल्दी भी इतनी है, क्योंकि हमने इसमें सब हेल्दी फ्लोर डाले हैं। कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे ये जो ज्वार का आटा है, रागी का है और बाजरे का, ये सब आटे की रोटियां नहीं खाते हैं, तो ऐसे नाश्ते के तौर पर आप उसे ये सब फ्लोर खिला सकते हैं। मल्टीग्रेन है तो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें चावल का आटा तो नहीं है और गेहूं का आटा भी हमने थोड़ा ही डाला है, तो सब लोग इसे खा सकते हैं। तो ये हमने थोड़ी चकली बना ली है।
अब हम सारे आटे की एक साथ में चकली बनाकर नहीं फ्राई करेंगे, थोड़ी थोड़ी 8 से 10 आप बना दीजिए, फिर फ्राई कर दीजिए और फिर अलग से दूसरी चकली बना दीजिए, ऐसे हमें करना है। तो हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और इसे अब हम फ्राई कर देंगे। ऑयल को हमने गैस पर गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम भी हो गया है, तो अब हम इसमें चकली जो हमने बनाई है वो डालेंगे। ऑयल को एकदम तेज आँच पर गरम नहीं करना है, मीडियम आँच पर गरम हो तब हमें ये चकली ऐसे, ये फ्लैट स्पून होता है इससे हमें लेकर डाल दी है, हाथ से मत डालिएगा आप, और धीरे से इसे तेल में डाल दीजिए। और एक साथ में 4 या 5 ही डालें, एक साथ ज्यादा मत डाल दीजिएगा। और इसे हमें एकदम लो फ्लेम पर ही, लो से मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। तो ये चकली हमारी धीरे धीरे ऊपर भी आ रही है, थोड़ी देर ऐसे ही पकने देना है हमें। हम इसे धीरे से पलट देंगे, देख सकते हैं हमारी चकली बहुत ही बढ़िया बनी है। अब दूसरी तरफ भी हमें इसे पकाना है अच्छे से। हमारी चकली फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसे निकाल देंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन हो और क्रिस्पी हो तब तक हमें इसे फ्राई करना है। जो नॉर्मल चावल की चकली होती है उससे थोड़ा इसका रंग डार्क लगेगा, क्योंकि हमने इसमें रागी और ज्वार का और बाजरे का आटा डाला है। तो ज्वार का तो व्हाइट होता है लेकिन रागी और बाजरे का कलर डार्क होता है, तो इसका भी थोड़ा डार्क कलर आएगा। और दूसरी जो हमने चकली है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। दूसरी चकली भी हमारी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, हमारी सारी चकली तैयार हो गई है बनकर, ये देख सकते हैं आप, एकदम कुरकुरी हो गई है ये। तो ये टेस्ट में तो बेस्ट है ही, हेल्थ में भी इतनी अच्छी है, क्योंकि हमने इसमें सारे हेल्दी आटे डाले हैं और मल्टीग्रेन आटा है, तो सभी लोग इसे खा सकते हैं और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। एक बात का, स्टोर करते टाइम ध्यान रखना है कि ये चकली एकदम ठंडी होने के बाद ही इसे स्टोर कीजिएगा। तो इसे आप कभी भी नाश्ते में ले सकते हैं, चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मल्टीग्रेन आटे की चकली।